हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ। क्लास इलेवेंथ की हम आए हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लीनियर इक्वालिटी पढ़ते थे, अब हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 24x लेस देन 100। हमें ये दे रखा है कि 24x है वो लेस देन 100, 100 से कम होगा। व्हेन फर्स्ट है x इज़ ए नेचुरल नंबर। x हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर। हमें ये बताना है कि x की हम ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि 24x की वैल्यू लेस देन 100 आ जाए। और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे कि कहाँ तक आएगी हमारे पास 24x लेस देन 100। अब जब हमारे पास इक्वलिटी थी तो हम क्या करते थे, 24 को उधर लेके गए, डिवाइड में गए। बट इनइक्वलिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड लेके नहीं जा सकते, हम क्या करेंगे दोनों साइड 24 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी 24x को 24 से डिवाइड किया, लेस देन 100 बाई 24, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसको करेंगे 4 6, या 4 से कर देंगे 25, तो x लेस देन 25/6। 25/6 को हमने कंप्लीट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 4.1 नियरली। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा लेकिन 4.1 नियरली आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि 4 से लेस वैल्यू पुट करेंगे, 4.1 से अगर हम वैल्यू कम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 100 आएगा, अदरवाइज हमारे पास ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। व्हेन फर्स्ट में हमें एक नेचुरल नंबर दे रखा था तो क्या लिखेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू n द वैल्यू ऑफ x मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जो वैल्यू है वो x की, कौन इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए क्या क्या है, 1 2 3 और 4। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, कि x की वैल्यू 1 2 3 4 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 24 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करने से लेस देन 100 आएगा। सेकेंड है हमारे पास, x इज़ एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर में हम नेगेटिव पॉजिटिव सभी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो इसमें हमारे पास 4 से लेस वैल्यू देखनी है। अगर 4.1 से लेस में देखते हैं तो नेगेटिव जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी लेस में होती हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू z द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x मेक द स्टेटमेंट ट्रू अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3। इसी तरह जब हम चलते जाएंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू कहाँ तक आएगी, 4 तक। तो नेगेटिव के सारे आ जाएंगे और पॉजिटिव में 4 तक। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -∞ से लेके -3 -2 -1 ऐसे करके 1 2 3 4 तक। सेकंड है सॉल्व, -12x ग्रेटर देन 30। व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, पहले हम वैल्यू निकालेंगे -12x ग्रेटर देन 30, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, पहले -12 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इधर -12x/-12, इधर -30/-12। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब ग्रेटर देन का था तो इधर क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। x हमारे पास क्या आ जाएगा, -x 30/-12 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 12 6 5 30। एक्स हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन किससे, एक्स हमारे पास सॉरी लेस देन -5/2। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -5/2 से कम आएगी। इसको हमने कंप्लीट डिवाइड किया -2.5, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2.5 से कम आएगी। अगर इससे कम आएगी, हमारे पास ये दे रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, -2.5, अदरवाइज इससे कम होगी। व्हेन x बिलोंग्स टू n, अब नेगेटिव में दे रखा है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, चाहे कितनी भी वैल्यू पुट कर लें हम पॉजिटिव की, अगर वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास वही 2 3 4 5, कितनी भी वैल्यू पुट कर दे क्योंकि नेगेटिव वो तो छोटा रहेगा ही रहेगा। नो वैल्यू ऑफ x मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। अब इसके लिए देखो, अगर हमने मान लिया x की वैल्यू 1 पुट कर दिया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा फिर, लेकिन ये तो इससे बड़ा नहीं आया। 2 पुट कर देंगे तब भी नहीं आया, 3 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, और अगर हमने इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तब भी नहीं आती हमारे पास, तब भी 12 छोटा है हमारे पास है। तो हम इसकी वैल्यू कहीं तक भी अप्लाई करके देख ले, कम्प्लीटली हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिससे हमें ये वैल्यू बड़ी आ जाए, कोई ऐसा सेट नहीं मिलेगा। तो क्या बोल देंगे, सो दैट गिवन इनइक्वालिटी हैज़ नो सॉल्यूशन, इस इक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है।
नेक्स्ट है x इज़ एन इंटीजर। x हमारे पास कोई भी इंटीजर है, x इंटीजर है। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सभी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कहाँ, माइनस टू पुट करेंगे 12 2 जै 24 नहीं है, लेकिन 3 पुट करेंगे तो 12 3 जै 36, 36 बड़ा आ जाएगा 30 से, तो 3 से बाद हम जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे -3 -4 -5 अप टू कितनी भी वैल्यू पुट कर लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x-3 < 7। कंडीशन को सॉल्व आउट करेंगे, पहले देखो -3 है, हमें क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। क्या कर दिया, एडिंग 3 बोथ साइड, 5x-3 + 3 कर देंगे और < 7 + 3। अब ये क्या आ जाएगा, 5x-3 से + 3 कैंसिल हो जाएगा और < 7 + 3 = 10 आ जाएगा। अब इधर से 5 को ख़त्म करना है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5x/5 < 10/5। इसको कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, < 2। एक अब फर्स्ट क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है, सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव, तो 2 से लेस होना चाहिए, 2 से लेस में सारे नेगेटिव आ गए, 0 आ गया और 1 आ गया। तो व्हेन x बिलोंग्स टू z द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x मेक द स्टेटमेंट ट्रू, -1 -2 -3 -4 जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं और 0 एंड 1, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास ये आएंगे। x इज़ ए रियल नंबर, x की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर, और रियल नंबर में जब हम देखते हैं तो रियल नंबर में सभी नेगेटिव आ जाएंगे, सभी पॉजिटिव आ जाएंगे, हर तरह के नंबर। तो x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल वैल्यू x है, विच आर less than 2 से लेस होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए, इन्फिनेटिव तक, तो क्या होगा, -∞ से 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व 3x + 8 > 2। When 3x + 8 > 2 आएगा, तो सबसे पहले 8 को ख़त्म करने के लिए प्लस है तो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 8 बोथ साइड, 3x + 8 - 8 हो जाएगा, इधर 2 - 8, इससे ये कैंसिल, 3x, 2 - 8 क्या आ जाएगा, -6, 3x > -6। अब 3 को ख़त्म करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3x/3 > -6/3, इससे हमने कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, > -2। x इज एन इंटीजर, फिर हमें दे रखा है x हमारे पास क्या है, इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी वैल्यू आएंगी। अब इसके अंदर पुट करो, इसमें तो क्या दे रखा है, x की वैल्यू क्या होगी, > -2, -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी कौन होगा, -1 0 1 2 3, जितने भी पॉजिटिव हैं सभी आ जाएंगे, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारे, किस हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 0 1 2 3 up to। दूसरा, x इज़ ए रियल नंबर, रियल नंबर में भी हमारे पास वही आएगी, -2 से > तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -2 से ∞ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इनइक्वालिटी इन क्वेश्चन 5 to 16 फॉर रियल x। x के लिए हमें इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, 4x + 3 < 5x + 7। हमें जब भी इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इधर हमारे पास 5x है, इस ये प्लस है तो क्या कर देंगे, दोनों साइड से माइनस कर देंगे, 4x + 3 - 5x, इधर भी 5x + 7 - 5x, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और 4x - 5x - x + 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा, < 7। अब हमारे पास क्या आया, प्लस का 3 है, उधर हम क्या कर देंगे, +3 को हटाने के लिए -3 कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, -x + 3 - 3 हो जाएगा, और इधर भी 7 - 3, 3 से 3 कैंसिल, -x, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस को हटाना है तो हमें -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, -1 से जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, > -4। अब -4 से बड़ी क्या आएगी, कहीं तक भी चले जाएंगे, -4 से बड़ी इन्फिनेटिव तक आ जाएगी, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया, -4 to ∞। क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 > 5x - 1। 3x - 7 > 5x - 1 से, अब +5x है तो क्या करेंगे, 3x - 7 - 5x, इधर भी -5x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3x - 5x - 2x आ जाएगा, -7, इधर क्या आ जाएगा, -1। अब इधर से -7 है तो प्लस कर देंगे, -2x - 7 + 7, और इधर भी -1 + 7,
अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x ग्रेटर देन है 7 में से बन जाएगा 6। अब क्या करना है, माइनस 2 से डिवाइड करना है, लेकिन माइनस से जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x बाई माइनस 2 और ग्रेटर है 6 बाई माइनस 2। जब इसको कैंसिल कर देंगे इधर क्या आ जाएगा x, और नेगेटिव से किया था इसलिए हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन माइनस 3, माइनस 3 से कम आएगी, माइनस 3 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, जितनी भी इससे वैसे बड़ी हैं लेकिन नेगेटिव लग गया तो वो छोटी हो जाएंगी। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 7, 3 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन या इक्वल टू 2x माइनस 3। पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 बन जा 3, लेस देन या इक्वल टू 2x माइनस 6 आ जाएगा। अब हमें 2x को ख़त्म करना है तो माइनस 2x, इधर भी माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा माइनस 3, इधर 2x से 2x कैंसिल हो गया, लेस देन माइनस 6। फिर माइनस 3 को ख़त्म करना है तो प्लस 3 कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3, लेस देन या इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन या इक्वल टू माइनस 3, कि x की वैल्यू या तो माइनस 3 से छोटी होगी या माइनस 3 के इक्वल होगी, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 3। और हमारे पास ब्रैकेट कैसे होगी, हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है, अगर इक्वल है हमारे पास तो हमें क्या लगानी है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, ओपन इंटरवल वाला, और अगर हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमारे पास नॉर्मली ये ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 3 टू जा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2x। अब हमें 2x को ख़त्म करना है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 6, 3x में से 2x घटाएंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब माइनस जो 6 है वो प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 माइनस एक्स माइनस 6 और इधर भी 2 माइनस 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस 4। फिर हमें माइनस है, माइनस को ख़त्म करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन या इक्वल टू 4, 4 से लेस, 4 से लेस हमारे पास क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी और 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल भी है तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनेटिव से 4 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6, 6 वन जा 6x प्लस 2 3 जा 3x प्लस 3 2 जा 2x लेस देन 11, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11x बाई 6 लेस देन 11। अब इधर हमारे पास 6 है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x बाई 6 मल्टीप्लाई 6, इधर भी क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 11x लेस देन 66। फिर 11 को ख़त्म करना है तो डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे, 11x बाई 11 लेस देन 66 बाई 11, कैंसिल हो जाएगा x लेस देन, इससे कैंसिल हो जाएगा 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन 6, 6 से लेस हो जाएगी तो सारी नेगेटिव वैल्यूज, और 6 से कम हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, माइनस 6 इन्फिनेटिव से 6। क्वेश्चन नंबर 10, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, एक्स बाई 3 ग्रेटर देन एक्स बाई 2 प्लस 1, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 बन जा 2 एक्स प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना वो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई 6 ग्रेटर देन एक्स प्लस 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 6, 3 से कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 3, इधर क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2 जा 6। अब क्या आ जाएगा, देखो इधर 3x है, 3x को ख़त्म करना है, ये कैसा है, प्लस का, तो माइनस कर देंगे, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x प्लस 6 माइनस 3x, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा,
टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन है सिक्स है, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस को ख़त्म करना है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस है सिक्स आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स से छोटी आएगी, माइनस सिक्स से छोटी आएगी तो माइनस सेवन, माइनस एट ऐसे आएगी, तो क्या लिख देंगे, माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस से सिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 3 इंटू एक्स माइनस टू बाई फाइव लेस देन या इक्वल टू 5 इंटू टू माइनस एक्स बाई थ्री। अब 5 3 जा 15, तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस टू बाई फाइव मल्टीप्लाई 15, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कैंसिल कर दिया, 3 3 3 जा 9 इंटू एक्स माइनस टू लेस देन या इक्वल टू 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 इंटू टू माइनस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 9 2 जा 18 लेस देन 25 टू जा 50 माइनस 25x। अब इधर से 25 को कैंसिल करना है तो प्लस कर देंगे, 9x माइनस 18 प्लस 25x लेस देन 50 माइनस 25x प्लस 25x, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 9x प्लस 25x 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50, माइनस 18 को ख़त्म करेंगे तो प्लस कर देंगे, 34x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन या इक्वल टू 50 प्लस 18। अब इधर 34x, इधर क्या आ जाएगा 68, फिर 34 से डिवाइड कर देंगे, इधर x आ जाएगा और लेस देन या इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 से लेस, 2 से लेस जाएंगे तो सभी नेगेटिव वैल्यू और 2, 1 और 2, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव से 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1 बाई टू इंटू 3x प्लस 5 बाई 3x बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 6। अब हमारे पास क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 को इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, ये 10 आ जाएगा, 3x एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 2 5 जा 10 और 5 10 2 जा 20 आ जाएगा, तो 3x प्लस 20 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बाई 3, 10 की और 3 की मल्टीप्लाई 30, तो बोथ साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 0 इससे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे 10, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9x 3 2 जा 6 60 आ जाएगा, ग्रेटर देन 10x माइनस 60 आ जाएगा। अब 9x प्लस, देखो इधर प्लस 60 है, इधर 10x प्लस है तो इधर लेके आएंगे, माइनस होना चाहिए तो दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस 9x प्लस 60 माइनस 10x ग्रेटर देन है 10x माइनस 60 और माइनस 10x कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस x 9 में से 9x माइनस 10x क्या आएगा, माइनस x प्लस 60 ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस 60। अब इधर प्लस 60 है तो माइनस 60 कर देंगे, माइनस x प्लस 60 माइनस 60 और इधर क्या आ जाएगा, माइनस 60, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। अब माइनस को ख़त्म करना है तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 120, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, या तो 120 आएगी या 120 से छोटी छोटी आएगी, तो नेगेटिव से लेके 120, माइनस इन्फिनेटिव से 120। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 2 इंटू 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस प्लस 2 3 जा 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12, 4x as it is 6 माइनस 10 माइनस 4 आ जाएगा लेस देन 6x माइनस 12। अब 6x को ख़त्म करना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस 6x इधर भी माइनस 6x ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 4 लेस देन माइनस 12। अब माइनस 4 को ख़त्म करेंगे तो प्लस कर देंगे, माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x लेस देन माइनस 8। अब माइनस 2 को ख़त्म करना है तो माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 2x बाई माइनस 2 लेस देन माइनस 8 बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव से अगर हमारे पास डिवाइड कर रखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी आएगी तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 4 से बड़ी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू सभी 4 टू इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 14, 37 माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3,
37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 जहाँ 24 आ जाएगा, 37 में से 5 जाएगा 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। अब x को हटाना है तो माइनस x कर दिया, इधर भी माइनस x कर दिया, अब इधर से क्या आ जाएगा 32 माइनस 4x और इधर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब इधर 32 है, इसको ख़त्म करना है तो 32 माइनस 4x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32, इधर माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 माइनस 8 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, x हमारे पास जब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन 8 बाई 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी लेस देन या इक्वल टू 2, या तो 2 आएगी या 2 से छोटी आएगी, छोटी आएगी तो माइनस इन्फिनेटिव से 2 तक आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 बाई 5। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x बाई 4 लेस देन 5 3 जा 15, 5 5 जा 25x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 7 जा 21x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9, 25 माइनस 21 4x, 10 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 बाई 15। अब इधर x बाई 4 लेस देन 4x माइनस 1 बाई 15, 15 4 जा 60, तो दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बाई 4 मल्टीप्लाई 60 लेस देन 4x माइनस 1 बाई 15 मल्टीप्लाई 60, 4 से कैंसिल कर दिया 15 और 15 से कैंसिल कर देंगे 4, तो इधर क्या आएगा 15x लेस देन 4 4 जा 16x माइनस 4। अब इधर से 16x को ख़त्म करना है, 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस x लेस देन माइनस 4, माइनस x को माइनस ख़त्म करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, 4 से बड़ी आएगी तो 4 टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 माइनस x बाई 5। पहले एलसीएम ले लेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4x, 15 प्लस 4 19x और 10 और 8 माइनस 18 बाई 20। अब इधर 20 है, इधर 3 है, 23 जा 60, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 22 जा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन या इक्वल टू 19 3 जा 57x माइनस 18 3 जा 54। अब इधर से 57 ख़त्म करना है तो माइनस 57x माइनस 57x कर देंगे, 40x माइनस 20 माइनस 15 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 माइनस 57x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा 40 माइनस 57 माइनस 17x माइनस 20, अब माइनस 20 को ख़त्म करेंगे तो प्लस 20, इधर भी क्या आ जाएगा प्लस 20, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 17x ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस 34, माइनस 17 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 17x बाई माइनस 17 ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस 34 बाई माइनस 17, कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस से डिवाइड कर रखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन या इक्वल टू 2, 2 से लेस आ गई तो नेगेटिव आएगी, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा माइनस इन्फिनेटिव से 2। ये थे हमारे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।